खुशी खुशी विवान तू ठीक है ना बेटा तुम दोनों ठीक हो ना तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना हाँ मम्मा जिसका भाई विवान हो उसे क्या हो सकता है आपको पता है विवान सच में स्पेशल है मतलब उस इतने लंबे सांप को पता है किसने मारा किसने विवान ने क्या बात है विवान आप सब जिसको बदमाश और शरारती समझते थे आज उसे विवान ने इस मोहल्ले को बचाया है अब तो यही है यहाँ का बालवीर इतनी बार टकराया मैं इससे कभी नहीं सोचा था कि ये लड़का ही नया बालवीर बनेगा बाल बताओ इस सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम में जब जोर से लगती होगी तो जाते कैसे हो फ्री फ्री का तो मैं से प्रसाद ही लेता हूँ या एक दिन सलमान का ऑटोग्राफ भी लूंगा नहीं चाहिए तुम्हें झूठा ही समझेंगे जो मैं समझता हूँ क्योंकि बालवीर बालवीर कुछ नहीं होता आखिरकार मिल ही गया मेघा जी क्या मिल गया वो चैन हाँ चैन मिल गया वो क्या है कि वो सांप को लेकर मैं बहुत ही बेचैन थी ना पर विवान ने उस सांप को मारकर मुझे चैन दिला दिया अच्छा अच्छा इसी बात पे शूरवीर विवान के लिए जोरदार तालियां कितने खुश हो रहे हैं ये नादान बिल्कुल अनजान इस बात से कि इस लड़के के जरिए मैं इन सब पे राज करने वाली हूँ और फिर क्या हाल होने वाला है इनका आज से हमारे मोहल्ले का यही है हीरो नंबर वन भैया आइडिया तो मुझे भी आया था अगर आप उस सांप पे बैठते ना तो आज आप होते हीरो वैसे तेरा आइडिया बुरा नहीं है और तुझे पहले बताना था ना चिंटी माता रानी की कृपा है कि ये भला टल गई आज की आरती विवान ही करेगा पंडित जी अगर विवान के हाथों ऐसा चमत्कार हुआ है तो उसके पीछे देव और इनकी हिम्मत भी शामिल है आज आप तीनों मिलके कीजिएगा आरती नहीं नहीं मैंने तो सिर्फ इनका साथ दिया है असली बहादुरी तो इन दोनों ने दिखाई है पूजा भी इन्हीं दोनों को करनी चाहिए शुक्रिया माँ आज आपके आशीर्वाद से मेरी एक और परीक्षा पार हुई आपकी वजह से आज इस दुनिया को नया बालवीर मिला बचा तो लिया अब जाके आरती भी उतार लो नए बालवीर की ऐसा मैं नहीं कार लोक वाले बोलेंगे
जितना छोटा तेरा शरीर है उतना ही छोटा तेरा दिमाग भी। बालवीर के इस उत्तराधिकारी को अपने कब्जे में लेकर तिमनासा पूरी दुनिया पर राज करेगी। इस पूरी दुनिया की पैरानी बनेगी तिमनासा। और इस उत्तराधिकारी के साथ क्या करना है ये तो सिर्फ तिमनासा ही जानती है। बोले अम्बे मात की जय। जोर से बोलो जय माता दी। सगे बोला जय माता दी। दिल से बोलो जय माता दी। अम्बे मात की जय। न्यूज़ में पढ़ा था दो मुंह वाला सांप होता है, मगर इतना बड़ा सांप होगा ये नहीं पता था। सही कह रहे छेड़ा जी, लगता है किसी ने हाइट बढ़ाने वाला महंगा दूध पिलाया होगा, मगर ऐसा दूध आता कहाँ होगा। मैं भी अपने चिंटू को पिलाऊंगा, आपको पता चले तो बताइएगा, तब तक मैं ऑनलाइन चेक करता हूँ। हमारे इतने दिनों की खोज आज जाकर पूरी हुई, लेकिन फिर भी तुम खुश नहीं हो बालवीर, ऐसा क्यों? ध्वनि परी, वो इसलिए क्योंकि बालवीर थोड़ा कमजोर हो गया है। बालवीर तुम चिंता मत करो, हमें हमारा नया बालवीर जो मिल गया है अब सब ठीक हो जाएगा। हम अभी विवान को नहीं बता सकते कि वो मेरा उत्तराधिकारी है। क्यों? उसे बताने से पहले मुझे शौर्य से बात करनी पड़ेगी, तब तक आप सब मिलकर विवान का ख्याल रखिएगा। ठीक है बालवीर। यही तो मैं चाहती थी कि बालवीर वीरलोक चला जाए, क्योंकि जब तक वो वीरलोक में रहेगा तब तक मैं काललोक में जाकर इसके उत्तराधिकारी के स्वागत की तैयारियां जो करूंगी। शौर्य, हमसे उत्तराधिकारी पहचानने में कोई गलती हुई? वो लड़का जो हमने ढूंढा है उसमें बालवीर बनने का एक भी गुण नहीं है। वो धरती लोक का सबसे शरारती बच्चा है, वो कैसे हो सकता है मेरा उत्तराधिकारी? गलती इंसान से हो सकती है, हमसे हो सकती है, पर इतारा से नहीं। तबा मजा आ रहा है, है? नन्ही उंगली की कसम, बहरानी तिमनासा को देखे कितने दिन हो गए, जानता है मेरी तो वो तरस रही है उनको देखने के लिए। आंखें तेरी नन्ही उंगली से एक किताब उठा के देख, तेरे वो उड़ जाएंगे होश। पता नहीं इस तिमनासा को इस उम्र में कौन सा शौक चढ़ा है पढ़ाई करने का। अरे क्यों मंगवाई ये जादुई किताब उसने? अरे चपताली कुछ कर। आ गए, बहरानी है सामने। अरे बहरानी, बहरानी, बहरानी किताब। रानी किताब लीजिए ना। नन्ही उंगली की कसम, ये तौबा तौबा पूछ रहा था कि
मेरा मतलब है कि कालोक के लोग बोल रहे थे कि आप उस नए बालवीर को यहाँ कालोक पिलाने वाले। हैरानी कहीं उसने यहाँ आकर फूम मचा दी तो अब आई। नादान हो तुम लोग जय सोचते हो कि मैं उसे बालवीर बनने दूंगी। वो बालवीर नहीं बल्कि कालवीर बनेगा। कालवीर बनेगा। कालवीर बनेगा। कालवीर। अच्छाई का वो दूध जब बुराई का साथ देगा तो ऐसी प्रलय आएगी कि वीर लोक का नामो निशान मिट जाएगा। हाँ बालवीर, परितारा जागृत हो चुका है। यही है दुनिया का नया रक्षक, हमारा नया बालवीर। लेकिन शौर्य, परितारा को जागृत करना तो बहुत मुश्किल है। उसके लिए तो कठिन परिश्रम करना पड़ता है, तप करना पड़ता है। किसने किया वो तप शौर्य? आप चुप क्यों है शौर्य? बालवीर, बालवीर, के हाल में भी बाल परी बस तुम्हें ही याद कर रही थी। बालवीर, तुम यहां उनके पास बैठो, मैं जाकर काल लोक के उस बंदी भयमार को देखकर आती हूं। आपकी यह हालत मेरी वजह से हुई है मां। अगर हो सके तो अपने इस बेटे को माफ कर देना। माँ आप आराम से बैठिए। माँ आपने तब क्यों किया? आप माँ है मेरी, अगर आपको कुछ हो जाता तो। एक माँ की जानना अपने बच्चे में बसती है बालवीर, और तुम्हारे लिए तो मैं 100 बार अपनी जान निछावर कर दूं। नहीं कर सकती आप ही। एक बेटे की जान भी उसकी माँ में ही बसती है। आपने मुझे इससे पहले क्यों नहीं बताया माँ? क्यों नहीं बताया? इसके लिए तुम चिंता मत करो, मैं कमजोर थी पर अब तुम आ गए हो ना, मुझे मेरी जिंदगी मिल गई है। तुम मेरे साथ हो ना, अब मुझे कुछ नहीं होगा। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। कैसी है बहादुर विमान की मम्मी?
ऐसी है निडर, शूरवीर विवान की मम्मी। बस चुप, एकदम चुप, कुछ नहीं सुनना है मुझे। मम्मी सब मोहल्ले वाले तो मेरी तारीफ कर रहे हैं और अब रो रहे हो। नहीं सुननी है मोहल्ले वालों की तारीफ है मुझे, नहीं चाहिए मुझे बहादुर और निडर विवान, मुझे मेरा बच्चा सुरक्षित चाहिए बस। तू जब बाहर अपनी बहादुरी दिखा रहा था ना, तब मैं यहाँ डर के मारे कितनी बार मरी हूँ, अंदाजा है तुझे? मम्मी पर... देख विवान, अगर तू अपनी मम्मी से थोड़ा सा भी प्यार करता है ना तो तुझे कसम खानी होगी कि तू कभी अपनी जान खतरे में नहीं डालेगा। थोड़ा सा नहीं, बहुत प्यार करता हूँ मम्मी आपसे, और मैं खुद की कसम खा के कहता हूँ कि आज के बाद अपनी जान कभी खतरे में नहीं डालूंगा। खुद की नहीं, मेरी कसम खा। आपकी कसम और आपकी फेवरेट बालवीर की भी कसम, वो करे दुनिया की रक्षा, मैं तो बस अपनी मम्मी के पास रहूंगा। इस काल किताब में लिखी है बालवीर को कालवीर बनाने की विधि। इससे पहले कि वो दुनिया का रक्षक बने, मैं उसे दुनिया का भक्षक बना दूंगी। उंगली की कसम, बालवीर को कालवीर बनाने की जादुई विधि। बहरानी बताइए ना, कौन सी है विधि? काल स्नान। काल स्नान आने वाली पूर्णिमा की रात से पहले, इससे पहले के वीर लोक के लोग उत्तराधिकारी को वीर स्नान दें, मैं उसे काल स्नान देकर बुराई का गुलाम बना दूंगी। और वो बनेगा काल लोक का गुलाम, तिमनासा का गुलाम। विवान, इस बार की कसम भी सच्ची थी कि झूठी? अरे 100% सच्ची, इतना सॉलिड कमिटमेंट किया है ना कि इस बार तो मैं अपनी भी नहीं सुनूंगा। कसम तो तूने बालवीर की भी खाई है, मानने लग गया ना कि बालवीर होता है। वो तो मम्मी मानती है बालवीर को, इसलिए उनका दिल रखने के लिए कह दिया। अगर बालवीर होता तो वो आपको बचाता ना, मैं नहीं। अब हमें जल्द से जल्द तुम्हारे उत्तराधिकारी को बालवीर बनाने के लिए वीर स्नान करवाना होगा, क्योंकि उसके बाद ही वो तुम्हारी तरह दुनिया का रक्षक बन सकेगा। उसे बालवीर बनने के लिए वीर स्नान ही नहीं, और भी बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। बालवीर बनना तो छोड़िए, उसे तो बालवीर के अस्तित्व में ही विश्वास नहीं है। हो जाएगा, बच्चा है अभी, और बालवीर सिर्फ एक नाम नहीं है, एक सोच है। मुझे पूरा यकीन है कि उसे भी इस बात का एहसास हो जाएगा। जरा उधर देखिए, नीचे देखिए क्या लिखा है, पढ़िए तो जरा। भैरानी, ऐसा क्या लिखा नीचे इस किताब में? हाँ, इसमें ऐसा लिखा है कि काल स्नान विधि करने के लिए उस लड़के को यहाँ लाने से कुछ नहीं होगा, साथ में वीर लोक का खास वीर वृक्ष फूल भी लाना होगा। रानी, नन्ही उंगली की कसम, उस शेर ने वीरलोक में तो वो चढ़ा रखा है सुरक्षा कवच, और किसी को ये भी नहीं पता कि वो है कहाँ। भैरानी, आपकी योजना तो शुरू होने से पहले ही फस हो गई। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, कालोक वाले कहते हैं। वीर लोग कहाँ ये तिमनासा नहीं पता लगा सकती, लेकिन नेत्र परी के नेत्र तो पता लगा सकते हैं ना।
बालवीर। शौर्य, अगली पूर्णिमा से पहले अगर उसे वीर स्नान नहीं कराया, अगर उसकी शक्तियां तुम्हारी शक्तियों के साथ नहीं मिल पाई, तो तुम्हारी मौत निश्चित है बालवीर। बालवीर, बालवीर, अगले पूर्णिमा से पहले पहले जल्द से जल्द तुम्हें कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे विवान धरती लोक भी अपनी माँ से भी अलग ना हो और वीर स्नान के लिए वीर लोक भी आ सके।